हाय गाइस हाउ डूइंग आज की वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विकैबरी है आप में से कोई शादी कर चुका है और किसी की शादी होने वाली है किसी की हो चुकी है सबके लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप शादी से मुतालिक uh, कोई वकीबरी बिल्डअप करना चाहते हैं तो बहुत से अल्फाज हैं और आम मुआशे में जब आ, मैंने सुनी इंग्लिश लोगों से और पढ़ी मुख्तलफ़ एग्ज़ाम में तो शादी से मुतल जो वोकेबरी यूज़ होती है उसमें बहुत सी एरर्स होती हैं मिस्टेक्स हो जाती हैं श्योर नहीं होते लर्नर्स के क्या ये लफ्ज़ वर्ब है नाउन है एजेक्टिव है शादी से मुतल शादी करना और शादी और शादी शुदा और शादी से मतलब जो अल्फाज हैं उनकी क्या मतलब सही इस्तेमाल किस तरह से वो फ़िक्रा जब बनाते हैं तो उनसे वो ग़लत हो जाता है मसल वो कहते हैं कि भाई मैंने शादी करनी है आई वॉन्ट टू मैरिज आई वॉन्ट टू marriage मैरिज वर्ब नहीं है ये तो नाउन है तो इस लिहाजा वो गलत हो जाती तो जितने भी शादी से मुतल प्राइमरी लेवल इंटरमीडिएट एडवांस लेवल की जो वोकेबरी है मैं इस वीडियो में आपसे वो शेयर करने लगाऊँ वो नाउन भी हैं वो ऑब्जेक्टिव भी हैं वो वर्ब्स भी हैं उनसे आप सेंटेंसिस बना सकते हैं कोई शादी से मुतिक कोई एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपको पता लग जाएंगे लिहाजा हम बग़ैर लेट हुए शादी की वकीबरी की तरफ चलते हैं आप गौर से देखिएगा फिर उनको जो है वो प्रैक्टिस में लेके आइएगा स्पोकन में और रिटर्न में दोनों में भी केयरफुल रहें तो ये वाली मिस्टेक्स आपने शादी की विकैबरी में नहीं करनी न्यू वर्ड्स न्यू विकैबरी लेट्स अप hi guys uh, today we're discussing uh, uh, vocabulary regarding wedding marriage it's a, a wedding vocabulary uh, there are different kind of words adjective noun uh, verbs and um, we have to learn these words and understand them so that we can speak and write correct english तो इन वर्ड्स में uh, जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो uh, सारे वोकेबरी जो वेडिंग रिलेटेड है आप इसको इंजॉय भी करेंगे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा आपकी रीडिंग राइटिंग लिस्टिंग सारी स्किल्स भी इससे फ़ायदा होगा आपको ये मैरिज रिलेटेड वोकेबरी से uh, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को uh, सबसे पहले जो है कुछ ऐसे लफ्ज़ देखते हैं जो कि नाउन वर्ब हैं हमारे सामने तो ये लिस्ट जो है इसमें देखें सबसे पहले जो वर्ड है वो है गेट मैरीड जो आम तौर पे लोग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो गेट मैरी या आई वॉन्ट टू मैरिज ये गलत हैं तो अगर आपने मैरीड कहना है तो गेट कहा तो गेट के साथ मैरीड कहना है। मैरी नहीं कहना आई गेट मैरी नहीं आई मैरी गेट मैरीड वर्ब वन हो वर्ब टू थ्री मैरीड तो वर्ब टू भी ये हो गया Uh, verb uh, uh, verb ki first form second form third form wo is hongi. get married got married got married Or ing lagega, lagega toh, hoga getting married right तो मैंने uh, मेरी uh, पाँच सात साल, uh, साल पहले शादी हुई थी या मैंने की थी तो आई मैरीड फाइव यर्स अ गर्व तो गॉट मैरीड इस तरह हो जाएगा मैरी नेक्स्ट जो है वो वर्ब है आई वान अ मैरी यू मैरी विद कहने की जरूरत नहीं मैरी विद यू नो आई वॉन्ट अ मैरी यू आई मैरीड हिम आई मैरीड हर तो इस तरह मैरीड विद अननेसेसरी हो गई या टू भी कोई प्रापोजिशन नहीं लगाने की ज़रूरत तो ये आम गलतियाँ होती हैं इंग्लिश बोलने और लिखने वालों से कि इसके साथ प्रापोजिशन लगा देते हैं आ ओ आना मैरी यू तो मैरी की अब सेकेंड फॉर्म होगी मैरीड जो ऊपर स्पेलिंग लिखे वो मैरीड और नेक्स्ट वर्ड है wed, wed तो वैसे वेनसडे की एप्रीविएशन शॉर्ट में वेनसडे को wed कहते हैं लेकिन wed का मतलब मैरिज करना शादी करने के लिए भी हो सकता है अ वैज आई वेडेड तो वे डेट शादी की थी उस सेंस में हो जाता है ज़्यादा पॉपुलर नहीं लेकिन ये यूज़ हो सकता है इंग्लिश में एज अ वर्ब नेक्स्ट है टू बी इन अ वेड लॉक शादी के बंधन में बंध जाना आई वॉन्ट टू बी इन अ वेड लॉक इस तरह सेंटेंस बन सकता है तो वो शादी के बंधन में पिछले साल बंध गए थे दे वर इन अ वेड लास्ट ईयर दे वर इन अ वेड तो वो इस तरह से Uh, uh, यानी आप जुमले बना सकते हैं आई वान बी इन अ लॉक विद यू यहाँ विद आ सकता है प्रापोजिशन जब आप यूज़ करेंगे सेंटेंस में नेक्स्ट एक इन फॉर्मल वर्ड है इंग्लिश का गेट हस्ट गैस्ट ये स्लैंग फॉर्मल खलो अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है गैस्ट शादी करना आई वाट गया Uh, मैं शादी करना चाहता हूँ आई गॉ आश लास्ट ईयर मैं पिछले साल शादी की थी मैं दस साल पहले मेरी शादी हुई थी आई गॉ आश्ट टेन ईयर्स गाओ तो आई गो आश टन ईयर्स गाओ दस साल पहले मेरी शादी हुई थी ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा नेक्स्ट है टू प्रपोज शादी के लिए प्रपोज करना ये आम सा एक वर्ड कॉमन है इंग्लिश में तो आई वन आरोप आई प्रोफेज हिम लास्ट ईयर मैंने पिछले साल प्रपोज किया था उसने मुझे प्रपोज किया उर्दू में भी लोग इस वर्ड को यूज़ कर देते हैं नेक्स्ट डेट फाप अ क्वेश्चन ये भी informal, colloquial style, hai, expression in English mein, uh, to pop a question. Uh, for example, the sentence, well I was sitting in her house and, um, and talking general about life and there it was a time when I popped a question, I popped a question there. या हम बैठे हुए बातें कर रहे थे तो मैंने शादी की पेशकश कर दी वी वर जस्ट अबाउट अदर थिंग्स एंड आई फॉप ट क्वेश्चन आई फॉप ट क्वेश्चन से मुराद होगी मैंने शादी की पेशकश कर दी नेक्स्ट है टू वू वू हो होता है टू सीख फॉर अ फेवर अ सपोर्ट, स्पेशली इन द व्यू ऑफ मेरेज शादी की नीयत से किसी को प्रपोज करना या उसकी फेवर हासिल करना या हमायत हासिल करना शादी के लिए तो उस सेंस में टू वो आई वुड हर लास्ट ईयर मैंने पिछले साल उसकी शादी की पेशकश की थी या शादी के लिए उसकी हमायत हासिल की थी वुड हर या आई वुड हर कपल ऑफ इयर्स अगो But she didn't uh, accept it. Or yeah, she accepted it. दोनों में आप इस तरह से कह सकते हैं. To next, uh, to ask for a hand, शादी के लिए to ask for a hand of someone. your yeah, wedding or marriage. ये है शादी. तो इसमें ये नहीं कि मैं शादी want to marriage. Marriage नहीं कि I want to marry can i yeah, I want to get married. या yeah, I want to get hitched. या yeah, I want to wed ye char matlabi am torpe verbs of use kar sakta shadi karne ki english me char get married i want to get married i want to marry i want to wed i want to get hitched ये क्लियर फोर हो गए नेक्स्ट छोटे कुछ और विकैबरी है जो हमारे सामने आ रही है तो हम इसको देखते हैं ब्राइट दुल्हन को कहेंगे ग्रूम दूल्हा होगा तो ब्राइट एंड ग्रूम दूल्हा दुल्हन तो दुल्हन ब्राइट ग्रूम भी कह देते हैं बास का दुल्हन को ब्राइट ग्रूम लेकिन ब्राइट खालस एक वर्ड दुल्हन के लिए Uh, तो कुछ वरी uh, में लफ् हैं कि जैसे ब्राइड मेड्स दुल्हन की साथी हो, होती हैं सखियाँ उसकी सहेलियाँ दुल्हन के करीब उन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड मेड्स और इसी तरह दूल्हे के भी होते हैं कुछ साथी तो उन्हें होते हैं ग्रूम मेड्स उनके साथी जो उनके साथ साथ फिर रहे होते हैं ग्रूम मेड्स तो नेक्स्ट है पेज बॉय पेज बॉय एक ऐसा लड़का या लड़की या मतलब है दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये वो ऐसा लड़का एक साथी होता है दुल्हन का जो दुल्हन के कपड़े अंगूठी या कुछ चीज़ें उठाता है उसके तोहफे उसके पास होते हैं वो कोई उसे पेज बॉय कहते हैं दुल्हन के साथ होता है फैज बॉय और जो एक शबाला शादी में होता है शबाला वगैरह जो शादी में दूल्हा के साथ बैठा होता है अमूमा उसे मैन कहते हैं इंग्लिश में मैन तो पेज बॉय एंड अ मैन नेक्स्ट जो शादी से मुतक वो कैबरी है वो है नॉपशल एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है इंग्लिश में तो अब शादी के लिए जो वर्ड हम बोल सकते हैं वो कह सकते हैं नॉपशल वेडिंग मैरेज ये पॉपुलर वर्ड हैं खनूबियल और आ, खनोबियल नापशल वेडिंग ये उससे रिलेटेड लफ्ज़ हैं यानी इनसे मुराद है शादी का कोई भी चीज़ कहनी हो वेडिंग ड्रेस है तो नापशल ड्रेस कह सकते हैं खनोबियल ड्रेस कह सकते हैं इन सब का मतलब वो होगा शादी का लिबास अरूसी लिबास कुछ भी सेंस में और नॉपशल्स और नापशल में क्या फ़र्क है एक में है एक में बगैर एस है नॉपशल्स जिसमें एस होता है उसका मतलब होता है शादी वेडिंग नापशल्स सैरमानी शादी की रस्म तो नॉपशल जो है ये एजेक्टिव है नॉपशल्स जो है वो नाउन है तो एजेक्टिव जो सिफत है शादी का तो शादी की मुख्त जो चीज़ें होती हैं उसके साथ नॉपशल निकाह लगा सकते हैं जैसे नॉपशल एग्रीमेंट शादी का वो निकाह नामा नॉपशल के साथ और बहुत सी चीज़ें लग सकती जैसे नापशल ड्रेस शादी का लिबास यखनूबियल ड्रेस भी कह सकते हैं खनूबियल बेड या नॉपशल बेड, तो मैंने वो मुख्तिफ लिहाज से लिख दी लेकिन एक दूसरे की जगह ये यूज़ हो सकते हैं नॉपशल प्रोसेशन बरात ठीक है ना कन्यूबियल प्रोसेशन भी हो सकता है बारात की इंग्लिश को पूछे तो आप कह सकते हैं नापशल प्रोसेशन, प्रोशाशन कन्यूबियल राइट्स या ट्रेडिशंस होते हैं रसूम शादी की रसूात मुख्तलफ ये वह जो होती हैं वो उन्हें आप इंग्लिश में कह सकते हैं खनोबियल नौ, राइट्स या नापशल ना राइट्स तो या ट्रेडिशंस या कस्टम्स ये लव्स बोले जा सकते हैं शादी की रसूत के लिए इसी तरह वेडिंग रिंग या नॉपशो रिंग आ, शादी की अंगूठी नापशल फीसट वो बारात का जो खाना वाना होता है वो फ़ीस एक ज़ियाफ़त खाना तो नाप्शलफ़ीस्ट कह सकते हैं खनूबियल फ़ीसट भी कह सकते हैं इस तरह और बहुत से लफ्ज़ नापशल खनूबियल के साथ वो आप लफ्ज़ लगाते जाएंगे वो शादी से मुतक चीज़ें बनती जाएंगी वेडिंग कार्ड नापशल कार्ड खनूबिय कार्ड इस तरह ये आपकी न्यू विकैबरी आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे इसी तरह से Nuptial bed, your nuptial dress, your processions. नॉपशल नाइट रात की कोई इंग्लिश पूछ ले तो वेडिंग नाइट अमूमन कहते हैं लेकिन नॉपशल नाइट या खनूबियल नाइट भी कह सकते हैं तो इस तरह से ये आज की वीडियो में आपने वो कैबरी जो बिल्डअप uh, की वो मैरिज uh, रिलेटेड है तो ये आप जहन में रखें निकाह नामा बारात uh, शादी की uh, खाना और uh, निकाह निकाह की इंग्लिश क्या होगी नॉपशल एग्रीमेंट निका नामा या उसकी वो निका सैरमनी नॉपशल राइट तो इस तरह ये लफ्ज़ आप शादी से मुतक आप इंग्लिश में याद करें और इनको बोलें ताकि आपको याद हो जाएं लफ्ज़ों को बोलना लिख लिख कर बोल बोल कर याद करेंगे तो ज़्यादा अरसा आपके जहन में रहेंगे कीप वॉचिंग यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप वॉच